वेलकम टू फ़ायज़ा मीर कश्मीरी गर्ल व्लॉग। तो आज मैं एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए जो मैंने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ में एक चीज़ और शामिल करना चाहूँगी कि मुझे पाकिस्तान के अंदर यह टिकटॉक की एप्लीकेशन के लिए मैंने आवाज़ उठाई कि मुझे ये बंद करवानी है। तमाम लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी आवाज़ बनिए, मेरा साथ दीजिए, अला हकाम तक, सदारत तक, अदालतों तक इस चीज़ को ले कर जाइए, क्योंकि हमारे घरों में खाना पीना सुकून हर चीज़ इस टाइम टिकटॉक पे आपको मिलेगी। खाते हुए आप वीडियोस बना रहे हैं, नहाते हुए वीडियो बना रहे हैं, कपड़े पहनते हुए वीडियो बना रहे हैं, कहीं शॉपिंग पे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो ये टिकटॉक ये वीडियोस बना 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 के अपनी ज़िंदगी का आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि टिकटॉक को बंद करें, अपनी ज़िंदगी में सुकून ऐसे नहीं आएगा। ये घर घर में से जो नाचने गाने का जो सिस्टम चल पड़ा है, इस सिस्टम को बंद करें। क्यों हर कोई मरासी बनने को पता नहीं क्यों इस टाइम बैठा हुआ है, क्यों पहले वक्तों में गिने चुने हुए मरासी हुआ करते थे, जो किसी की शादी में आते थे, ढोल बजाते थे, चले जाते थे। अब तकरीबन आपको टिकटॉक के ऊपर अमीर भी नाचते हुए मिलेंगे, गरीब भी नाचते हुए मिलेंगे। ये नाच गाना, ये फाहशी, ये बेहूदगी इतना आम हो चुकी है, ये फैशन बन चुका है कि लोगों को शर्म ही नहीं आती कि ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मरासी हमारा सकाफत नहीं है। तो हम मुसलमान हैं, ये इस्लामिक कंट्री है, ये कोई आप यूरोप में नहीं रह रहे हो, आप किसी बाहर की कंट्री में नहीं हो, ये वहाँ का कल्चर है। अगर आपको वो इतना ही ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ आप पाकिस्तान को छोड़ें और यहाँ से चले जाइए। आप बाहर जाके अपनी ज़िंदगी जिस तरह की ड्रेसें करनी है, जैसे रहना है रहिए, आपको कोई नहीं रोकता, क्योंकि वो वहाँ पर सब चलता है, वहाँ पे इस चीज़ को कोई भी माइंड नहीं। तो प्लीज़ टिकटॉक को यहाँ से बंद करें। लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करने का जो सिस्टम चल पड़ा है, ये टिकटॉक से ज़्यादा हो रहा है। तो ये चंद दिन की जो लाइट्स हैं, फेमस जो पब्लिक सिटी थी, ये सब कुछ ख़त्म करें, इस टिकटॉक को बैन करें पाकिस्तान में, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आए। और जितना भी फाहशी हमारे घरों तक फैल चुकी है, आम हो चुकी है, आने वाली जनरेशन बहुत बुरी उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। एज़ अ पेरेंट्स आपको तब पता चलेगा जब पानी सर से गुजर जाएगा और बहुत देर हो जाए, उससे पहले पाकिस्तान में एप्लीकेशन को बंद करवाइए, आवाज़ उठाइए। नाच गाना फाशी हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है, ये कल्चर हमारा नहीं है। जिनको बहुत शौक है करने का, पाकिस्तान से बाहर चले जाइए, वहाँ आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला कोई नहीं होगा। ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे इस्लामिक कानून लागू हैं। तो आप यहाँ, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है अगर हमारे आप कल्चर को, हमारे मज़हब को, हमारी इस चीज़ को आप मानते नहीं, समझते नहीं। गैर मज़हब हो के तो चलो समझ में आता है कोई कर रहा है, आप मुस्लिम हो के अगर नाच गाना फहाशी बेहयाई ये बरहन्ना हो के आप नाच रहे हो, छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रहे हो, ये गानों को फ़रोग दे रहे हो, तो मैं समझती हूँ फिर आपको मुसलमान होने का कोई हक़ नहीं है। आप वैसे ही इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाते हो। तो अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो, मुसलमान हो, इस्लामिक कंट्री में रहते हो, तो आपको यहाँ के कानून को फॉलो करना होगा, वही आप पर लागू होते हैं। अगर नहीं कर सकते तो पेमरा और जो एप्लीकेशन यहाँ पर जिन्होंने इसको लॉन्च किया है उसको ख़त्म करें।